तभी देखिए भाई लोगों, जो है रियल क्रिकेट 24 का न्यू अपडेट आ चुका है और इस अपडेट के अंदर हमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर भी देखने को मिले हैं जो कि हम क्यूब प्ले के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे कैमरा एंगल, न्यू बॉलिंग एक्शन और स्टेडियम की तो बात अभी नहीं करेगी क्योंकि क्यूब प्ले के अंदर स्टेडियम को हम फ्री में नहीं खेल सकते। लेकिन यहाँ पर जो है जो मेन फीचर था गेम का, जो RCPL का अपडेट जो लोग वेट कर रहे थे, वही अपडेट जो है हमें पेड देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है न्यूट्रलेस मोबाइल ने ये सही किया या फिर नहीं, क्या RCPL को हम फ्री में अनलॉक कर सकते हैं या फिर नहीं, तो फुल डिटेल साथ बताने वाला। तो ये वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और हो सके तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन को दबा के और सिलेक्ट जरूर से कर देना। तो चलिए अभी कर देते हैं इस वाली वीडियो को शुरू। अभी देखिए भाई लोग, बता दूं कि रियल क्रिकेट 24 के अंदर IPL ऑक्शन जो अपडेट दिया है वो हम जो है 100 लेवल करके इसे जो है हम खेल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है लेवल अप होना चाहिए, 100 लेवल होना चाहिए या फिर उससे भी थोड़ा सा कम रहेगा जैसे कि 10 लेवल कम। तो आप सभी लोग इसे जो है कुछ टिकट देके खेल सकते हो, बट RCPL की बात की जाए तो भाई 2024 का RCPL जो है वो पेड है, यानी कि इससे जो है आप 2000 रुपये के अलावा इसे जो है आप सभी लोग खेल ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास 2000 रुपये है तो ही आप सभी लोग इसे अनलॉक करके खेल सकते हो, बाकी आप सभी लोग मोड वर्जन वगैरह यूज करोगे तो इससे आपकी जो है दिक्कत हो सकती है कि रियल क्रिकेट 24 जो है वो डेटा के बिना ओपन नहीं होता है, तो दिक्कत हो सकता है और अकाउंट भी जा सकता है आपका, कंपनी जो है अकाउंट को भी बैन कर सकती है क्योंकि हम अगर मॉड वर्जन का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने गेम को हैक कर लिया है। जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम सभी लोग कुछ भी हैक वगैरह करते हैं तो कंपनी हमें पनिश करती है, तो ये भी हो सकता है। बाकी आपका फालतू डाटा वगैरह जा सकता है, ऊपर से आप सभी लोगों का जो है गेम का अकाउंट भी डिलीट हो सकता है, कंपनी जो है ये कर सकती है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप सभी लोग इसे सच में खेलना चाहते हो तो भाई आपको 2000 रुपये देना ही पड़ेगा, और बाकी ऑप्शन है जिससे कि आप सभी लोग जो है अपनी टीम को बना के बाकी RCPL के अंदर खेल सकते हो। जैसे कि 2023 का है वहाँ पर आप सभी लोग खेल सकते हो लेवल अप करके टिकट कुछ देके। बाकी यही है कि रियल क्रिकेट 24 के अंदर अगर आपको RCPL को अनलॉक करना है तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, बिना पैसे के आप सभी लोग इसके अंदर कभी भी नहीं खेल पाओगे। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देनी थी सिर्फ छोटी सी, और बाकी आप सभी लोग ये सोच रहे हो कि मैं इसका हैक कर लेता हूँ, क्योंकि रियल क्रिकेट 20 के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि कंपनी ने पेड रखा था RCPL को और आप सभी लोग अभी देख सकते हैं 20 जो उस समय पे डाउन भी हो चुका था, लेकिन रियल क्रिकेट 24 के साथ जहां तक मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होगा। बाकी ये अपडेट मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा है क्योंकि अगर RCPL को छोड़ दे तो बाकी बहुत ही बढ़िया फीचर हमें देखने को मिले, न्यू बॉलिंग एक्शन, न्यू स्टेडियम, उसी के साथ ही जो एक कैमरा एंगल वाला देखने को मिला है वो तो बढ़िया ही है, और इंजरी फीचर भी है जो कि हमें क्यूब प्ले और भी टूर्नामेंट के अंदर भी हम खेलते हैं तो वो भी हमें देखने को, और भी गेम के अच्छे अपडेट आएंगे जो कि मैं आप सभी लोग बताता रहूंगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और भाई हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा के रखिए क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैं जो यहाँ पर ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।